अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताऊंगा मैथमेटिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम। ठीक है, अभी ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री की पेपर स्कीम अपलोड कर दी है कुछ टाइम पहले, उससे पहले मैंने फिजिक्स की स्कीम अपलोड कर दी, अभी मैथ की बता रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आपको कहा है ना, जो जो भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा बहुत उससे फ़ायदा होगा। अभी और बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा ऐसा मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जल्दी से जिसने भी अभी तक लर्नोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर किस्म की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल सके। ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने ये केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर्स वगैरह हो गए, यहाँ पर वजीफ़ा हो गया, ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोज़ अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। तो आप लोग जैसे ही ये चैनल ओपन करेंगे, लर्नोलॉजी चैनल ओपन करके होम के साथ वीडियोस पे क्लिक करोगे ना, तो ये सामने आपके वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अभी हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की अपना पेपर स्कीम देखते हैं और बाकी चीजें देखते हैं। टोटल आपके एमसीक्यूज 15 MCQs आएंगे, ठीक है, 1 फ्रॉम ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट यूनिट नंबर 13 एंड 15, ठीक है, नो एमसीक्यूज फ्रॉम यूनिट नंबर 13 एंड यूनिट नंबर 15। लेकिन एक दफा आप लोगों ने से भी गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 15 और 13, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2। नौ क्वेश्चन आएंगे, मतलब 9 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। यूनिट नंबर 1 में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से भी आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट नंबर 3 में से आपके 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, यूनिट नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 5 में से 1 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 के, इसमें भी आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। यूनिट नंबर 6 में से 1 को, अब देखो 3 की चॉइस होती है, चॉइस जबरदस्त सी चॉइस होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पहले पूरी कंप्लीट एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगा 9th क्लास वाले तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो जो भी चीजें बता रहा हूँ आप लोग उन पे इम्प्लीमेंट लाजमी करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको हर किस्म के एजुकेशनल वीडियोस मिले आगे भी। तो यूनिट नंबर जो हमारे पास 3 है, इसमें से 9 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट नंबर 6 में से 1, यूनिट नंबर 7 में से 2, यूनिट नंबर 8 में से 2, यूनिट नंबर 9 में से 2, यूनिट नंबर 10 में से 1, यूनिट नंबर 11 में से भी 1 क्वेश्चन आने का चांस है। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी आपके 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वो आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे। तो तब आप प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने लर्नोलॉजी चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी बना के रख दी हैं, इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब का बोल रहा था। यूनिट नंबर 12 में से आपका 1 MCQ आएगा, सॉरी 1 क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 13 में से 1 क्वेश्चन, 14 में से 1, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि पंजाब बोर्ड में मोस्टली डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, तो वो डेफिनेशंस रिलेटेड भी मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा इस लर्नोलॉजी चैनल पर। आप लोग लर्नोलॉजी चैनल को विजिट करते रहा करें क्योंकि यहाँ पर आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी इंशाल्लाह वीडियोज आगे भी मिलेंगी, तो ये आपने लाजमी करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में से 1 पार्ट, चैप्टर नंबर 2 में से 1 पार्ट, फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 3 में से 1 पार्ट, चैप्टर नंबर 4 में से 1 पार्ट, ठीक है, 3 में से भी 1 पार्ट और 4 में से भी 1 पार्ट। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5 में से 1 पार्ट, चैप्टर नंबर 6 में से 1 पार्ट, ठीक है। तो आपने ये वाले लाजमी याद कर लेने हैं, प्रिपेयर मतलब प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में से 1 पार्ट और चैप्टर नंबर 17 में से भी 1 पार्ट। इसके अलावा जो हमारे पास एक और कंपलसरी क्वेश्चन थ्योरम वाला आता है, मतलब मसलों वाला आता है, वो मोस्टली चैप्टर नंबर 12 में से आता है और चैप्टर नंबर 16 में से आता है। अब ये थ्योरम्स कौन कौन से आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर्स क्या क्या हैं, तो वो ऑलरेडी आप लोग जैसे ही लर्नोलॉजी चैनल ओपन करोगे, ठीक, लर्नोलॉजी चैनल ओपन करने के बाद होम है, होम के साथ वीडियोस है, होम पे आप लोग जैसे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं स्कीम्स अभी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक। मजीद स्क्रोल डाउन करके आओगे तो ये एक मैंने बोर्ड एग्जाम 2024 टिप्स फॉर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के पेपर्स शो करके दिखाए हैं कि कैसे कैसे वो लिखते हैं और कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक। उसके अलावा बाकी ये पेपर प्रेजेंटेशन रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
मज़ीद नीचे देखोगे तो 9th क्लास पेपर 2024 गैस पेपर, जहाँ पे मैंने सारे शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं 2024 गैस पेपर, ये आप लोग देख लीजिए। इधर एक मैंने वजीफ़ा, हाँ ये वाली वीडियो वजीफे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इन चीज़ों को आप लोग बच्चों देख के इनसे प्रिपरेशन करें। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स मैंने शेयर किए हुए हैं, जैसे MCQs में मसला रहता है तो आप लोग यहाँ पे आके इन MCQs की वीडियोज़ देख लीजिएगा, 100% इंशाल्लाह हेल्प होगी ये वाली वीडियो देखने के बाद। बाकी वीडियोस भी बहुत जल्द इस चैनल पे आ जाएंगी, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।